नमस्कार दर्शक, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में कोरोना बढ़ता जा रहा है और दिल्ली जैसे बड़े जगह में भी अस्पतालों की स्थिति चरमराती दिख रही है, जैसे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। बात करें उन राज्यों की जहां पिछले वर्ष पहली लहर में कोरोना काफी लेट से पहुंचा था, तो जब ऐसे राज्यों का जिक्र होता है तो एक राज्य सामने आता है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न चेक गेट से जहां इनर लाइन पास की जरूरत होती है, बिना इनर लाइन पास अरुणाचल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले की बोरदुमसा का है, जहां स्थानीय पुलिस CRPF की मदद से कार्रवाई करती हुई दिख रही है। जो हम अपील करते हैं कि वो लोग मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें, अपने भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग को बहुत बच करके रहना पड़ेगा। ये जो दूसरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये है चांगलांग जिले के नामचिक गेट का। यहाँ पुलिस तैनात है, इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि मास्क व्यवहार किया जाए, मास्क लगाया जाए, कोरोना को रोका जाए। आइए यहाँ के अधिकारी से बात करते हैं और उनसे जानकारी इकट्ठा करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पे। हम लोग जो DC का जो ऑर्डर है, जो SOP है, उसका हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मास्क वगैरह जैसे चेकिंग, मतलब जैसे कि वो बाइक आना जाना, गाड़ी आना, वही चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। सबको ये बोल रहे हैं कि मास्क लगा के फिर आना जाना करना है। तो लोग मास्क का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है और उन्हें इस बात की जानकारी दी जा रही है कि मास्क लगाना अनिवार्य है और मास्क ना लगाने पे 500 का जुर्माना है। और ये सब इसलिए ताकि आपको, आम जनता को, कोरोना से बचाया जा सके। काफ़ी लोग यहाँ दिखते हैं जो कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। क्या आज के डेट पे, आज के तारीख पे ऐसी बातों के लिए कहीं जगह है? आपको लगता है कि कोई ये कहे कि मास्क लगाना जरूरी है, इस बात का उसे ज्ञान ना हो? हाँ, हम मानते हैं कुछ दिन पहले जब असम में और कुछ राज्यों में चुनाव थे तो मास्क व्यवहार नहीं किया गया था। ये जो स्थिति दिखी थी, जो दृश्य दिखा था, इसके लिए वहाँ के प्रशासन खुद को कितना बेहतर मानते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये तो शायद वहाँ के प्रशासन, पुलिस और अधिकारी ही महसूस करते होंगे, और काफ़ी राजनीतिक दल। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव का आना और जाना और कोरोना का आना में संबंध है। फिलहाल हमारे पास ऐसे तत्व नहीं है कि हम ये साबित कर पाएं कि चुनाव का ये दूसरी कोरोना के लहर में कुछ संबंध है। और जितना हमें पता है कि चुनावी पार्टीज के पास भी इतने तत्व नहीं है कि वो भी इस बात को प्रूफ कर पाएं कि चुनाव एक कारण नहीं है कोरोना को दोबारा आने में और कोरोना की दूसरी लहर में। अब बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश पे दोबारा, कि यहाँ पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना केसेस आए हैं। जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 64 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में। अब बात करें कि ये केसेस जो है किस किस जिले में आए हैं, तो ये जानकारी आपके स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार कि किस जिले में कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ चेक गेट्स के बारे में। हमने जानकारी इकट्ठा की और उस चेक गेट से कितने दूरी पे एक अस्पताल है, तो हमें जो जानकारी मिली वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जानकारियां फिलहाल हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि कोरोना के घातक असर को देखते हुए आप लोग इस बात को चिंतन करें और मास्क व्यवहार किए बिना घर से ना निकलें। सतर्कता जरूरी है। लाइट हाउस लाइव और उसके पूरे टीम की तरफ से दोबारा हम आम जनता से अनुरोध करेंगे कि घर से निकलें तो मास्क का व्यवहार जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइट हाउस लाइव।